हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग चैप्टर 5 फादर्स रूम का सेकेंड पार्ट देखने जा रहे हैं, डिस्कस करने जा रहे हैं। ओके, हम लोगों ने देखा था प्रीवियस पार्ट में कि राजन स्वामीनाथन के घर आता है विजिट करने के लिए, बहुत सारी बातें होती हैं, ठीक है ना। मतलब उसकी विजिट जो होती है वो सक्सेसफुली हो जाती है। ओके, आगे देखते हैं। व्हेन स्वामीनाथन एंटर्ड द क्लास अ गीगल वेंट राउंड द बेंचेस। ओके, अब सीधे हमारे सामने जो सीन आ रहा है वो क्लासरूम का आ रहा है। और क्या है, व्हेन स्वामीनाथन एंटर्ड द क्लास अ गीगल वेंट राउंड द बेंचेस। जैसे ही स्वामीनाथन क्लास के अंदर आता है, गीगल, गीगल मतलब क्या होता है, चुपचाप से हंसना, ठीक है। मतलब जोर से लॉफिंग नहीं करना, गीगलिंग, गीगलिंग चिढ़ाने वाली हंसी जो होती है। अ गिगलिंग वेंट राउंड द बेंचेस, जितनी भी बेंचेस लगी हुई थी उस क्लासरूम में, सभी से एक गिगलिंग का साउंड आ रहा था। ही वॉक्ड टू हिज सीट होपिंग दैट ही माइट नॉट बी द कॉज ऑफ द गिगलिंग, ठीक है। और वो क्या है, अपनी सीट की तरफ गया ये सोचते हुए कि ये जो गिगलिंग हो रही है, सारे बच्चे जो हंस रहे हैं, शायद उसका कारण मैं ना हूँ। ऐसी आशा करते हुए वो अपनी बेंच की तरफ बढ़ा। बट इट कंटिन्यूड, लेकिन वो लगातार गिगलिंग हो रही थी। ही लुक्ड अबाउट हिज आइज ट्रेवल्ड अप टू द ब्लैक बोर्ड, ठीक है ना। उसने जो है अपने चारों तरफ देखा और उसकी आँखें जो हैं वो किस तरफ गई, ब्लैक बोर्ड की तरफ गई। हिज फेस बर्न्ड रेड, है ना। और ब्लैक बोर्ड पे जो उसने देखा, उसे देख करके उसका चेहरा पूरी तरह से लाल हो गया। ऑन द बोर्ड वॉज रिटन इन ह्यूज लेटर्स टेल, है ना। बोर्ड पे बड़े बड़े अक्षरों में क्या लिखा हुआ था, टेल। स्वामीनाथन वॉक्ड टू द ब्लैक बोर्ड एंड रब्ड इट ऑफ विथ हिज हैंड्स। स्वामीनाथन बोर्ड की तरफ गया और उसने अपने हाथों से वो जो टेल लिखा हुआ था उसे रब कर दिया, मिटा दिया। ही टर्न्ड एंड सॉ शंकर्स हैड बेंट ओवर हिज नोटबुक एंड द पी वॉज बिजी अनपैकिंग हिज सैचल। वो मुड़ा और उसने क्या देखा कि शंकर जो है वो अपनी नोटबुक में बिजी है एंड द पी वॉज बिजी अनपैकिंग हिज सैचल। सैचल मतलब होता है स्कूल बैग। क्या देखा उसने कि शंकर अपनी नोटबुक में बिजी है और पी जो है वो अपने साइकिल को, मतलब स्कूल बैग को, अनपैक कर रहा है, मतलब ओपन कर रहा है। विदाउट अ वर्ड स्वामीनाथन अप्रोच्ड द पी एंड गेव हिम अ फेयर स्लैप ऑन हिज चीक, है ना। और बिना किसी वर्ड के उसने कुछ भी नहीं कहा, एक शब्द भी नहीं कहा किसी से, और किस तरफ गया वो, पी के तरफ गया और उसने एक जोर से एक थप्पड़ पी के गाल पर लगाया। द पी बस्ट इन टू टीयर्स एंड स्वोर दैट ही डिड नॉट डू इट, है ना। पी रोने लगा, उसकी आंखों से आंसू आ गए और वो कसमें खाने लगा कि नहीं, मैंने ये सब नहीं किया है, मतलब मैंने ये नहीं लिखा है। ही कास्ट अ स्लाई लुक एट शंकर हु वॉज एब्जॉर्ब्ड इन सम वर्क, ठीक है। उसने जो है एक स्लाई लुक, धीरे से उसकी नज़र जो है किस तरफ गई, शंकर की तरफ गई और उसने देखा कि शंकर जो है उस समय किसी काम में खोया हुआ है। स्वामीनाथन टर्न टू हिम एंड स्लैप्ड हिज फेस ऑल्सो। स्वामीनाथन उस तरफ गया, शंकर के पास गया और उसके गाल पर भी जाकर के एक स्लैप थप्पड़ लगाया। सून देयर वॉज पेंडेमोनियम, शंकर स्वामीनाथन एंड द पी रोलिंग ओवर टीयरिंग स्क्रैचिंग एंड किकिंग वन अनादर। अब जल्दी ही हमें क्या देखने के लिए मिला वहाँ पर, एक युद्ध जैसा, ठीक है। मतलब क्या हो रहा था, शंकर स्वामीनाथन एंड द पी रोलिंग ओवर, शंकर स्वामीनाथन और पी क्या कर रहे थे वहाँ पर, एक दूसरे से लड़ाई कर रहे थे, रोल कर रहे थे वहाँ पर, टीयरिंग स्क्रैचिंग, ठीक है ना, रो भी रहे थे वो, एक दूसरे को नोच भी रहे थे, स्क्रैच भी कर रहे थे, एंड किकिंग वन अनादर, और एक दूसरे को लात से भी मार रहे थे। द बैल रैंग, राजम सोमू एंड मनी एंटर्ड। उसी समय बैल बजी, राजम सोमू और मनी क्लास में अंदर आए। द टीचर केम इन एंड स्टूड अगेस्ट, ही कुड डू लिटिल मोर देन लुक ऑन द एजेकुलेट, ठीक है। टीचर जो है वो आया और वो वहाँ पर स्तब्ध खड़ा हो गया। ही कुड डू लिटिल मोर देन लुक ऑन एंड एजेकुलेट, ठीक है ना। उसने जो है ज़्यादा कुछ नहीं किया वहाँ पर आने के बाद में, उसने उस लड़ाई को जो है थोड़ा सा अपार्ट करने की कोशिश की। सोमू एंड मनी पार्टेड द फाइटर्स, ठीक है। सोमू और मनी ने जो है वहाँ पर जो फाइटर्स, मतलब जो लड़ रहे थे स्वामीनाथन, पी और शंकर, उनको अलग अलग किया। सर प्लीज़ लेट अस गो आउट, वी डू नॉट वॉन्ट टू डिस्टर्ब द क्लास, ठीक है। क्या कहा उसने, सॉरी, द टीचर असेंडेड द प्लेटफॉर्म एंड टुक हिज सीट, द क्लास सेटल्ड डाउन, ठीक है। अब
टीचर जो है वो पीछे की तरफ गए और प्लेटफॉर्म पे और अपनी सीट पर जाके बैठ गए और वापस क्लासरूम पूरी की पूरी सेटल हो गई। मतलब क्लास सारे बच्चे अपनी अपनी बेंचेस पे बैठ गए। सोमू गॉट अप एंड सैट, और उसी समय सोमू खड़ा हुआ और उसने कहा, सर प्लीज़ लेट अस गो आउट, वी डू नॉट वॉन्ट टू डिस्टर्ब द क्लास। क्या कहा उसने सोमू ने कि सर प्लीज़ हमें बाहर जाने दीजिए, हम क्लास को डिस्टर्ब नहीं करना चाहते हैं। द टीचर डैमर्ड बट ऑलरेडी मनी हैड गॉन आउट, पुशिंग स्वामीनाथन एंड द पी बिफोर हिम, सोमू फॉलोड हिम विथ शंकर। ठीक है, और टीचर थोड़ा सा आश्चर्यचकित हुआ है ना, मतलब उस समय वो सोच नहीं पा रहे थे कि सोमू क्या कह रहा है, लेकिन मनी ऑलरेडी बाहर जा चुका था, पुशिंग स्वामीनाथन एंड द पी बिफोर हिम, और वो स्वामीनाथन और मनी सॉरी पी को पुश करता हुआ धकेलता हुआ आगे आगे ले जा रहा था। सोमू फॉलोड हिम विथ शंकर, और सोमू भी उसके साथ गया, शंकर भी साथ गया। दे केम टू अ लॉनली स्पॉट इन द फील्ड एडजॉइनिंग द स्कूल। वो लोग एक सुनसान जगह पर गए जो कि स्कूल के फील्ड से ही लगा हुआ था। देयर वॉज टेंस साइलेंस फॉर अ वाइल एंड मनी ब्रोक इट, वॉट इज रॉन्ग विथ यू यू लिटिल रोगस। ठीक है, एक चुप्पी थी वहाँ पर, थोड़ी देर शांति थी। शांति के बाद में मनी एकदम से बोल पड़ा कि तुम लोगों के साथ में क्या प्रॉब्लम है। ठीक है ना, रोगस मतलब शैतान जिसको अपन बोलते हैं। ठीक है, सो तुम लोगों के साथ में क्या प्रॉब्लम है। थ्री स्टार्टेड टू स्पीक एट वंस, स्वामीनाथन वॉइस वॉज द लाउडेस्ट, ही द पी रॉट टेल बिग टेल ऑन द ब्लैक बोर्ड बिग, नो आई डिडंट यू स्क्रीम्ड द पी। ठीक है ना, और जो है वो तीनों आपस में बोलने शुरू कर दिया उन तीनों ने। स्वामीनाथन वॉइस वॉज द लाउडेस्ट, लेकिन स्वामीनाथन जो है वो काफ़ी तेजी से बोल रहा था। उसने क्या कहा, ही मतलब पी के तरफ इशारा करते हुए कहा कि ही द पी रॉट टेल बिग टेल ऑन द ब्लैक बोर्ड। ठीक है ना, क्या कहा स्वामीनाथन ने कि पी ने ब्लैक बोर्ड पे बड़े बड़े अक्षरों में टेल लिख दिया था। आई डिडंट स्क्रीम्ड द पी, और उसी समय जो है पी चिल्लाया और उसने कहा कि नहीं मैंने नहीं लिखा था। द अदर टू रॉट इट, क्राइड स्वामीनाथन पॉइंटिंग एट शंकर। ठीक है ना, तो उसने शंकर की तरफ इशारा किया स्वामीनाथन ने और फिर कहा कि अगर पी ने नहीं लिखा है तो डेफिनेटली किसने लिखा है, शंकर ने लिखा है। डिड यू सी मी हॉल्ड शंकर। अब शंकर एकदम से जो है मतलब आक्रोशित होकर के एग्रेसिव मूड में चिल्लाकर कहा उसने कि क्या तुमने मुझे देखा है। मनी कवर्ड देयर माउथ विथ हिज हैंड्स, वॉट इज अ टेल एनी वे। ठीक है ना, और मनी ने उसका चेहरा अपने मतलब माउथ जो है अपने हाथों से चेहरा अपने हाथों से दबा लिया और उसने कहा कि वॉट इज टेल एनी वे, मतलब टेल एक्चुअल में है क्या। ही आस्क्ड नॉट हैविंग बीन टोल्ड एनीथिंग अबाउट इट टिल देन। ठीक है ना, ही आस्क्ड, उसने कहा कि अभी तक जो है किसी ने भी टेल के बारे में कोई भी बात मुझे नहीं बताई है और अभी तक मुझे पता भी नहीं है। दे कॉल मी राजम स्टाइल सॉब्ड स्वामीनाथन। अब स्वामीनाथन क्योंकि उस समय रो रहा था तो थोड़ा सा सॉबिंग के साथ में है ना सुबकते हुए उसने कहा कि ये लोग मुझे क्या करते हैं, राजम की टेल बुलाते हैं। अ फ्रोजन एक्सप्रेशन केम ओवर मनीज फेस एंड ही आज एंड हु डेयर्स टू टॉक टू राजम हियर, टॉक ऑफ राजम हियर। ठीक है ना, एकदम फ्रोजन मतलब बिल्कुल शांति छा गई वहाँ पर मनी के फेस पर और उसने कहा हु डेयर्स टू टॉक ऑफ राजम हियर। ठीक है ना, और यहाँ पर कौन हिम्मत करता है राजम के बारे में बात करने के लिए। ओ डेयर, रिपीटेड सोमू, है ना, सोमू कहता है अच्छा हिम्मत की बात है ना, सोमू उस चीज़ को रिपीट करता है। इफ़ एनी ऑफ यू फेलोज हैव डन इट, ग्रॉल्ड मनी लुकिंग एट द ट्रैवलिंग शंकर एंड द पी। ठीक है ना, अगर क्या कहा उसने मनी ने, अगर तुम में से किसी ने ये किया है तो ठीक नहीं होगा। शंकर और पी की तरफ उसने ट्रैवलिंग लुकिंग मतलब बहुत ज़्यादा गुस्से में वो उसकी तरफ देखते हुए ये बात मनी ने कही। इफ़ दे हैव वॉट कैन यू डू, आज जो सोमू विथ है कंटेप्टियस स्माइल। ठीक है ना, एक चिल्लाने वाली हंसी जो है कंटेप्टियस स्माइल के साथ में सोमू ने कहा कि अगर मान लीजिए उन्होंने किया भी है तो तुम क्या कर सकते हो। वॉट डू यू मीन सोमू, वॉट डू यू मीन। ठीक है ना, उसने कहा कि क्या कहना चाहते हो तुम सोमू, क्या मतलब है तुम्हारा कहने का। लुक हियर मनी, सोमू क्राइड, फॉर अ लॉन्ग टाइम आई हैव बीन वेटिंग टू टेल यू दिस, यू थिंक टू मच ऑफ यूर सेल्फ एंड यूर पावर्स। ठीक है, तो सोमू ने चिल्लाकर कहा कि देखो मनी, काफ़ी समय से क्या है मैं तुम्हें ये बात कहना चाहता था कि
कि यू थिंक टू मच ऑफ योर सेल्फ एंड योर पावर्स, मतलब आप अपने आप को बहुत ज़्यादा पावरफुल समझते हो और अपने आप को बहुत ज़्यादा शक्तिशाली भी समझते हो। मनी स्वंग हिज हैंड एंड ब्रॉट इट डाउन ऑन सोमू'स नेक, ठीक है ना। तो मनी ने क्या है अपना हाथ ऊपर की तरफ उठाया और सोमू की नेप मतलब गर्दन के पीछे वाले हिस्से पर मार दिया। सोमू पुश्ड इट अवे विथ हैवी ब्लो, ठीक है ना। और सोमू ने क्या किया उसको उसके हाथ को जो है काफ़ी तेज़ी से पीछे की तरफ ढकेल दिया। मनी एम्ड अ किक एट सोमू विच वुड सेंड हिम रोलिंग, मनी ने क्या किया सोमू को एक किक मारी और जिसकी वजह से क्या हुआ वो ज़मीन पर गिर पड़ा। सोमू स्टेप्ड असाइड एंड डिलीवर्ड वन हिमसेल्फ विच नियरली बेंट द अदर, ठीक है ना। सोमू जो है थोड़ी देर मतलब स्टेप्ड असाइड थोड़ी दूर जाने के बाद उसने क्या किया वापस से जो मनी ने उसे किक मारी थी वो वापस उसने मनी को भी मारी और विच नियरली बेंट द अदर, ठीक है, जो मतलब जो कि दूसरी तरफ जो बच्चा झुका हुआ था। द थ्री यंगस्टर्स कुड हार्डली बिलीव देयर आइज, सोमू एंड मनी फाइटिंग, ठीक है ना। अब वो तीनों वहाँ पर जो खड़े हुए थे उन्होंने देखा मतलब उनकी आंखों पर उसे विश्वास नहीं हो रहा था क्योंकि उस समय सोमू और मनी की फाइटिंग चल रही थी। दे लॉस्ट देयर हैट्स, ठीक है ना, मतलब क्या है वो अपना आपा पूरी तरह से खो चुके थे। दे थॉट दैट सोमू एंड मनी वर किलिंग ईच अदर, ठीक है, क्या सोच लिया था उन लोगों ने, क्या सोच रहे थे वो लोग कि सोमू और मनी एक दूसरे की जान लेने पर उतारू हैं, एक दूसरे की जान ले लेंगे। दे लुक्ड एक्सिंगली एट वन अनादर एंड देन रन टूवर्ड्स द स्कूल, ठीक है, उन्होंने बहुत ज़्यादा डर के साथ में है ना भय के साथ में एक दूसरे की तरफ देखा और फिर स्कूल की तरफ दौड़ पड़े। दे बस्ट इन अपॉन द हेडमास्टर हु गैदर्ड फ्रॉम दैम विद डिफिकल्टी दैट इन द एडजेसेंट फील्ड टू मर्डर्स वर बींग कमिटेड एट द वेरी मोमेंट, कहाँ गए वो भाग कर गए हेडमास्टर के पास और उन्होंने कहा बताया उन्होंने कि वहाँ पर ग्राउंड में क्या हो रहा है दो लोग एक दूसरे को जान से मारने पर उतारू हैं। ही वॉज डिस्पोज टू लॉफ एट फर्स्ट बट द एक्साइटमेंट एंड सीरियसनेस ऑन द बॉयज फेस मेड हिम चेक हिज लॉफ्टर एंड स्क्रेच हिज चिन, ठीक है। ये बात सुनकर के हेडमास्टर को थोड़ा सा आश्चर्य हुआ, उसे हंसी भी आई, वो हंसा भी, ठीक है ना, लेकिन उन दोनों के चेहरे पर जो एक्साइटमेंट और सीरियसनेस दिखाई दे रही थी उसने उसे सोचने पर हेडमास्टर को सोचने पर मजबूर कर दिया और उसने क्या किया स्क्रैच हिज चिन मतलब अपनी चिन को थोड़ा सा स्क्रैच किया। ही कॉल्ड एट अ प्यून एंड विथ हिम सेट ऑफ टू द फील्ड, ठीक है, उन्होंने क्या किया प्यून को बुलाया और किस तरफ चल पड़े वो फील्ड की तरफ जहाँ पर वो लड़ाई हो रही थी। द फाइटर्स रोलिंग एंड रोलिंग वर एवरीवेयर इन द फील्ड, ठीक है, और वो दोनों फाइटर्स आपस में क्या है काफ़ी बहुत ज़्यादा लड़ाई लड़ रहे थे, वो रोलिंग कर रहे थे मतलब बिल्कुल लेट लेट कर वो लोग लड़ाई कर रहे थे वहाँ पर। द हेडमास्टर एंड द प्यून इजीली पिक्ड देम अपार्ट, हेडमास्टर और प्यून ने उनको आसानी से अलग अलग कर दिया। मच टू द एस्टोनिशमेंट ऑफ स्वामीनाथन हु हैड थॉट टिल दैट द स्ट्रेंथ दैट सोमू और मनी पोजेस्ड वॉज नॉट पोजेस्ड बाय एनीवन एल्स इन द वर्ल्ड, ठीक है। अब क्या हुआ एस्टोनिशमेंट एकदम से स्वामीनाथन जो है बहुत ज़्यादा उस चीज़ के बारे में सीरियस हो गया, एस्टोनिश हो गया। हु हैड थॉट टिल दे दैट द स्ट्रेंथ दैट सोमू और मनी पोजेस्ड वॉज नॉट पोजेस्ड बाय एनीवन एल्स इन द वर्ल्ड, ठीक है ना, मतलब मनी और सोमू जितने शक्तिशाली थे जितने उनके अंदर स्ट्रेंथ थी वो जो उनके अंदर देखी थी स्वामीनाथन ने वो शक्ति और वो स्ट्रेंथ जो है शायद वर्ल्ड में किसी के अंदर नहीं होगी, ऐसा स्वामीनाथन का सोचना था। सो स्टूडेंट्स ये था आपका रिमेनिंग पार्ट जो कि कंप्लीट हो गया है। आई होप आप लोगों को प्रीवियस पार्ट जो हमने किया था वो भी समझ में आ गया होगा और ये वीडियो देखने के बाद शायद ये पार्ट भी आपको पूरी तरह से क्लियर हो जाए। ओके स्टूडेंट्स सो कीप वॉचिंग।